बड़ी खबर बोकारो से, यहां पर पुलिस ने गोली चलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। शक्ति नंदन सिंह और राजीव कुमार सिंह को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस और दो खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट और स्टेडियम के पास युवकों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी। पैसे के लेन देन के कारण युवकों ने यह फायरिंग की थी। घटना में इस्तेमाल की गई एक कार और एक दूसरी कार भी बरामद की गई है। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने इस बात की जानकारी दी तो देखिए, दहशतगर्दी पैदा करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों ये शख्स पहुंचे थे लक्ष्मी मार्केट और वहां पर सेक्टर 4 में हवाई फायरिंग की थी और लोगों में दहशतगर्दी मचाई थी और इसके बाद वहां से चले गए थे। दरअसल पैसे वापसी या बकाया पैसे की वापसी को लेकर यह धमकी दी गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। एक जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए बोकारो सेक्टर 4 में घटना घटी थी और इसके बाद से लोगों में काफी गुस्सा था कि आखिर कोई ऐसे कैसे मार्केट में पहुंच जाएगा बीच बाजार में और हवाई फायरिंग करेगा और लोगों को दहशत में डालेगा। जिसके बाद पुलिस ने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साथ में गाड़ी नंबर के जरिए इन युवकों तक जा पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास हथियार भी बरामद किया गया है। दिनांक 21 जनवरी 2023 को लगभग 2:30 बजे दिन में सेक्टर 4 थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुमार मंगलम स्टेडियम के पास कुछ अपराधकर्मी फायरिंग किए हैं। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी वहां पे सत्यापन एवं उस घटना का में शामिल अपराधकर्मियों के धरपकड़ के लिए प्रस्थान किए। इसी क्रम में फिर सूचना मिली कि लक्ष्मी मार्केट जो सेक्टर 4 थाना अंतर्गत ही स्थित है, वहाँ पे कुछ होटल से उसके सामने ये फायरिंग की गई है और अज्ञात अपराधकर्मी है जो एक सफेद रंग के आईटेन कार से है और निरीक्षण के दुकानदार को गाली गलौज कर रहे हैं और फायरिंग भी की गई है। तो कुमार मंगलम स्टेडियम से फिर पुलिस को लक्ष्मी मार्केट गई। लक्ष्मी मार्केट में आसपास के लोगों और होटल जो संचालक हैं उन लोगों से पूछताछ किए तो बोले कि 3 अपराधकर्मी थे जो वहाँ पे धमकी दिए हैं और गोलीबारी किए हैं। और वहां से जब पुलिस गई तो वहां एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इसके अपराधी की 13 सजा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।